बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्राफ्ट कलेक्शन एंड कुकिंग कॉर्नर में एक बार फिर आप सबको मैं बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके लिए हमें किसी भी फ्लेम की ज़रूरत नहीं होगी, किसी भी तरह की कुकिंग की ज़रूरत नहीं होगी। ये जस्ट सिंपल से बनने वाले खजूर के लड्डू हैं और बहुत ही ईजी और सिंपल सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने 5 से 6 खजूरें लेके इनकी मैंने गुठली निकाल के इनका एक गोदा सा मैंने बना लिया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, किशमिश है और कुछ बादाम है हमारे पास, भुने हुए चने हैं हमारे पास, और ये नारियल का बुरादा मैंने लिया है, और ऑयल मैंने थोड़ा सा लिया है इसकी ग्रीसिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, हम आज की अपनी सिंपल सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो मैंने खजूर का ये गोदा सा बनाया हुआ है, इसमें मैं थोड़ा सा नारियल जो है वो खुश्क नारियल, जो मैंने ये नारियल का बुरादा लिया है, इसको मैं ऐड करके इसमें मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ी सी आपने यहाँ से ये इतना सा आपने ये खजूर का लेना है गोदा। ऑयल आपने हल्का सा अपनी हथेली पे आप इसको ग्रीस कर लें, और ताकि ये आपके हाथों के साथ चिपके ना। अब क्या करना है कि मैंने जो आपको बताए थे भुने हुए चने हैं मेरे पास, उसको लेके हम इसके अंदर इसकी हम फिलिंग करेंगे। 2 से 3 हम इसमें चने ऐड कर देंगे, 1 हम इसमें बादाम की गिरी रखेंगे, 2 से 3 हम इसमें जो है वो किशमिश ऐड करेंगे, और ये नारियल खोपरा जो है साबित होता है हमारे पास वो मैं इसमें, और इसको हम लेके अच्छी तरह से इसको जो रोल करके इसके गोल गोल से लड्डू बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, सिंपल, इजी और फौरन बन जाने वाली रेसिपी है। ऐसे बच्चे जिनका वेट गेन नहीं होता, आप उनको भी ये दे सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है वैसे भी रमज़ान है, हर घर में तकरीबन खजूर जो अवेलेबल होती है, और आप चाहें तो इससे आप ये बना सकते हैं। जी फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम इस तरह से ये सारे अपने लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेंगे, और एंड पे हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सूखा नारियल का बुरादा है इसमें हम इनको इस तरह से कोट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक जो है वो इस तरह से आ जाएगी, और ये एक एक करके हम सारे इस तरह से बना लेंगे। इसी तरह से हम ये दूसरी के लिए लेंगे, और इसकी भी हम फिलिंग ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताई थी। 2 से 3 हम इसमें जो है वो चने ऐड करेंगे, नारियल, 2-3 किशमिश या 1-2, और ये बादाम की गिरी, और इसको हम अच्छी तरह से लपेट के, और इसको हम गोल से इसके लड्डू बना के वही प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। इसको हम नारियल के बुरादे में कोट करेंगे। जी तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप कि हमारे ज़बरदस्त ये नारियल के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और जो बचा हुआ नारियल था हमारे पास उसके साथ में इसकी जो है वो गार्निशिंग कर दूंगी। बहुत ही ईजी और आसानी से बन जाने वाले ये हमारे लड्डू हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं, एनर्जी भी इनमें बहुत होती है। जी तो फ्रेंड, देख सकते हैं आपके हमारे ज़बरदस्त से ये नारियल के लड्डू जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। जी फ्रेंड, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल रेडी हैं, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये आज की मेरी रेसिपी जो है वो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।